करवा चौथ की थाली में ये चीजें भूल से भी मत छोड़ जाना। करवा चौथ का व्रत रखा है तो अभी नोट कर लें वरना मुश्किल हो जाएगी। सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की पूजन सामग्री में इन चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए, वरना करवा चौथ के व्रत की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगले 3 मिनट में हम आपको बताएंगे करवा चौथ की पूजन सामग्री और पूजन की सही विधि और करवा चौथ की पौराणिक कथा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। करवा चौथ पूजन सामग्री। करवा चौथ की पूजन सामग्री में सबसे आवश्यक वस्तु करवा होता है। ये मिट्टी का बना टोटी वाला एक छोटा सा कलश होता है, जिसके ऊपर ढकने के लिए मिट्टी का दिया होता है। मिट्टी की जगह पीतल का करवा भी लिया जा सकता है, लेकिन मिट्टी के करवे की अधिक मान्यता होती है। मिट्टी के 2 दिए करवे में लगाने के लिए कांस की तीलियां, पूजन के लिए कुमकुम, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, मौली, फूल, फल और प्रसाद आदि। रात में चंद्र दर्शन के बाद पति का चेहरा देखने के लिए छलनी, जल से भरा कलश या आचमनी, करवा चतुर्थी पूजन का पाना अर्थात चित्र जिसमें चंद्रमा, शिव, पार्वती, कार्तिकेय आदि के चित्र बने होते हैं, करवा चौथ कथा की पुस्तक, धूप, दीप, सुहाग की सामग्री जिसमें हल्दी, मेहंदी, काजल, कंघा, सिंदूर, छोटा कांच, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, करवे में भरने के लिए गेहूं, शक्कर और खड़े मूंग। करवा चौथ पूजन विधि। सबसे पहले सूर्योदय पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा स्थान को साफ स्वच्छ कर लें। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला रहें। सामने दीवार पर करवा चौथ पूजा का पाना चिपकाएं। नीचे चौकी पर एक करवा रखें जिसमें गेहूं, चावल या शक्कर भरे जाते हैं। सामने पाने पर गणेश जी से प्रारंभ करके समस्त पूजन सामग्री से पूजन करें। करवे का पूजन करें। करवे पर स्वास्तिक बनाएं, फल रखें, फूल अर्पित करें, कुछ मुद्रा अर्पित करें। करवे के ढक्कन में खड़े हरे मूंग या शक्कर भर दें। गणेश गौरी का पूजन करें। गौरी को समस्त सुहाग की सामग्री भेंट करें। इसके बाद करवा चतुर्थी व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। कथा सुनने से पहले हाथ में चावल के 13 दाने लें। इन दानों को साड़ी के छोर पर बांध लें। इस प्रकार 3 बार पूजन किया जाता है। सुबह पूजा करने के बाद दोपहर में 4 बजे और फिर रात्रि में चंद्रोदय के पूर्व 3 बार की पूजा हो जाने के बाद रात्रि में चंद्रोदय की प्रतीक्षा की जाती है। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव का पूजन करें। जल कार्ग्य दें। साड़ी के छोर में बंधे चावल के 13 दाने निकालकर उन्हें अर्घ्य के साथ चंद्र को अर्पित करें। दीपक से चंद्र की आरती करें, फिर छलनी में से पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें और भोजन ग्रहण करें। पूजा में उपयोग किया हुआ करवा सास या सास के सामान किसी सुहागिन महिला को ही भेंट करें। करवा चौथ की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और बहू थे। वो बहुत गरीब थी। बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी और चतुर्थी का व्रत रखती थी। गणेश जी साक्षात संतोष आकर कहते थे कि माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती थी मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि हम गरीब हैं, धन मांग लो तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। बुढ़िया ने घर आकर बेटे बहू और पड़ोसियों की बातों पर विचार किया। उसने सोचा कि जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वो मांग लो और अपने मतलब की चीज भी मांग लो। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बोल माई क्या मांगती है। बुढ़िया ने कहा भगवान गणेश जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वो तुझे अवश्य मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसी बुढ़िया को मांगे अनुसार सब दिया वैसे ही सबको देना। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।